अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चौखा। बिहार के मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज और पत्थर फेंका। यह घटना तब हुई जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुधांशु शेखर के समर्थन में गनगौर गाँव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे थे। हरलाखी से विपक्षी महागठबंधन की ओर से भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे चुनावी मैदान में हैं। भीड़ से कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री की ओर प्याज फेंके जो मंच की कुछ दूरी पर गिर गए। वहीं भीड़ ने एक पत्थर भी उछाला जो मुख्यमंत्री के सिर के पास से गुजरा। इस घटना पर सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने घेरे में ले लिया और उन्होंने अपना भाषण भी रोक दिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने शांत स्वभाव का परिचय देते हुए कहा कि जो कोई भी उन पर कुछ फेंकना चाहता है उसका स्वागत है। लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं, इसलिए जान दो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। आज जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी, और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको तखा गढ़ा का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह की बातें हमने बताई, नई तकनीक का ट्रेनिंग, नई औद्योगिक नीति जो बनी है, उस औद्योगिक नीति के माध्यम से हम लोग इतना ज्यादा उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं जो बाहर से लोग आया आज लोगों को पता नहीं है। आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस घटना की निंदा की है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि आज चुनावी सभा में किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर प्याज फेंकी, यह पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका अस्वीकार्य है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताजा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नाम पर एवं महागठबंधन का डर दिखाकर नीतीश कुमार चुनाव जीतना चाहते हैं, खुद क्या किया यह किसी को पता नहीं है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले नीतीश कुमार अब कुर्सी बचाने के लिए व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 17 जिलों के कुल 94 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार की शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हो गए। आंकड़ों के मुताबिक 54.05 वोट प्रतिशत पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी H.R. श्रीनिवासन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 94 सीटों पर मतदान हुआ और अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 54.05% वोट पड़े हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान यह प्रतिशत 56.17 था। महागठबंधन ने दूसरे चरण की 94 सीटों में से 65 सीटों पर जीत का दावा किया है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का पीएम मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बननी तय हो गई है, बिहार में इतिहास रचा जाएगा, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, प्रदेश के लोगों ने तय किया है कि उन्हें सुशासन चाहिए। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।